आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरेकल्स ऑफ 10, 10 या इसके मल्टीपल की बात करें 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से। तो आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर भी कोई नंबर दे रखा हो 7, 1, 2, इसको डिवाइड करना हो 10 से, तो काफी स्टूडेंट को पता नहीं है, वैसे जनरली पता होता है, लेकिन काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि भाई पॉइंट को किधर शिफ्ट करना है, या अगर कोई एग्जाम्पल इस तरह का हो। एक्चुअली इसमें 10 की मल्टीप्लाई में सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट होता है और कुछ नहीं होता इसके अलावा। तो सिर्फ हमें ये पता करना है कि शिफ्ट किधर से किधर करना है। तो देखिए कोई भी नंबर है, जैसे कि ये नंबर दे रखा है 712, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 712.0। अगर डिवाइड की बात करें पॉइंट टू द लेफ्ट साइड, और अगर मल्टीप्लाई की बात करें पॉइंट शिफ्ट टू द राइट साइड, सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में 10 की। तो यहाँ पर डिवाइड जब हम करते हैं 10 से, तो पॉइंट शिफ्ट किधर करते हैं, लेफ्ट में, और मल्टीप्लाई करते हैं तो शिफ्ट करते हैं राइट में। तो देखिए एग्जांपल ये है, फर्स्ट अगर 712 को डिवाइड करेंगे 10 से, पॉइंट हमारा ये है। अब बात आती है कितने डिजिट शिफ्ट करना है हमें लेफ्ट। ये तो पता चल गया कि लेफ्ट शिफ्ट करना है क्योंकि डिवीजन हो रहा है। कितने डिजिट करेंगे यहाँ पर, कितने जीरो हैं, 1, तो एक ही डिजिट शिफ्ट होगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 7, 1, 8 के बाद पॉइंट और ये जीरो ही आ गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद के जीरो जो होते हैं इसको कैंसिल करके ये भी लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आया 71.2। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल 712 की मल्टीप्लाई अगर हम 10 से करें तो क्या आंसर आएगा, इसको पॉइंट जीरो लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट मल्टीप्लाई में है तो राइट में शिफ्ट होगा, एरो लगा लिया। कितने डिजिट शिफ्ट करना है, यहाँ पर 10 लिखा है, 10 का मतलब एक डिजिट शिफ्ट करना है क्योंकि 10 में एक जीरो होता है, जितने जीरो होंगे उतने डिजिट शिफ्ट करना है। तो हमारा आंसर आया 7120, यानी पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ आ गया। ये जीरो हमने अपने पास लगाया है, हम चाहे तो इस जीरो को हटाकर 7120 भी लिख सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। 72/100 अगर इस तरह का है तो क्या करना है, पॉइंट पता है हमें ये है, इसको क्या करेंगे, डिवीजन है तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, एरो लगा दिया। कितने डिजिट शिफ्ट करना है, दो जीरो है तो दो जीरो शिफ्ट करेंगे, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो इसका मतलब 0.720 लिखेंगे। अब पॉइंट दिखाने के लिए एक जीरो हम एक्स्ट्रा लगाते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पर पॉइंट लगा है, तो 0.72 ये जीरो हम कैंसिल करके ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लाई का एग्जांपल ले लेते हैं, 72/100, अब 100 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट ये आ गया, मल्टीप्लाई यानी राइट में शिफ्ट करेंगे, कितने डिजिट, दो जीरो है, दो जीरो शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास तो एक ही जीरो है, तो हम एक और जीरो लगा लेंगे। भाई पॉइंट के बाद अगर हम जीरो हटा सकते हैं तो जीरो लगा भी सकते हैं, जितने जीरो की जरूरत पड़ेगी पॉइंट के बाद हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 72 और 2 के बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा 0, 0, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और इसको हटाकर हम ये भी लिख सकते हैं 72/100 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप आराम से सोच कर सकते हैं, और इसके बाद भी अगर इनमें डाउट आता है 10 में, 10 की मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन का
आंसर दूंगा। लेते हैं 1000 का, इससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 72 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या आएगा? पॉइंट राइट में शिफ्ट करना है क्योंकि मल्टीप्लाई है राइट। अब कितने डिजिट शिफ्ट करना है कि जितने जीरो हैं 1 2 3 3 0 राइट में शिफ्ट करेंगे। तो अब हमें परेशानी आ रही है कि भाई इसमें इनमें तो डिजिट ही नहीं है, डिजिट कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं 72.000, जितने जीरो की हमें जरूरत होगी हम लगा सकते हैं पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर अब हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 72000, यहाँ पर आ गया पॉइंट, और इसको हम हटाकर ये भी लिख सकते हैं 72000। इसी तरह से अगर डिवीजन की बात आती है, डिवीजन में क्या करेंगे, 72 को डिवाइड करना है 1000 से, तो डिवीजन में क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर है 1 2, टू डिजिट है इसमें, और हमें कहाँ तक करना है, 3 डिजिट तक शिफ्ट करना है, तो हमें एक और डिजिट चाहिए, यहाँ पर आ गया। तो अब ये जो पॉइंट होगा ये यहाँ आ जाएगा, हम अपने पास से आगे जीरो लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.072। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, बस इसमें और कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है।